फैमिली, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं काफ़ी टाइम के बाद आज एक और न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चीज़ टमाटो। तो उसकी रेसिपी देखने के लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। और हाँ, इसी तरीके से अब आपको मेरी डेली वीडियो मिलती रहेंगी रेसिपी से रिलेटेड या ब्लॉगिंग से रिलेटेड। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। तो चीज़ टोमेटो बनाने के लिए आपको चाहिए अनियन इस तरह से कटा हुआ, साथ में टमाटर और साथ में चाहिए पनीर, ठीक है। और बाकी जो जो मसाले यूज़ होंगे मैं आपको साथ ही साथ में बताती जाऊंगी। तो चलिए करते हैं डिश बनाना स्टार्ट। तो चीज़ पोटैटो बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे हम इसकी ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, टमाटर अनियन को करेंगे थोड़ा सा फ्राई, मतलब थोड़ा सा पकाएंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले। जीरा हो गया, धनिया हो गया और साथ में हो गया काली मिर्च, दालचीनी और हम डालेंगे इसमें अनियन। साथ में डाल देंगे इसके बीच में गार्लिक लहसुन। इनके बाद हम डालेंगे टमाटर। ये सारा जो भी मटेरियल है ना, ये ग्रेवी के लिए रेडी हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं डालूंगी हल्दी, नमक अकॉर्डिंग योर टेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, आप चाहो तो बीन भी डाल सकते हो। और साथ में आ गया हमारा ये गरम मसाला। हम ट्राई करेंगे कि रोज वीडियो लेके आए। अभी ये ग्रेवी का जो मटेरियल है ना, वो देखिए रेडी हो चुका है, हमें बस इसे इतना ही पकाना है। तो अब हम मैं करूँगी इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा, देन फिर मैं इसे करूँगी ग्राइंड। तो अभी ये जो है ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसे करूँगी जार में ट्रांसफ़र और फिर करूँगी इसे ग्राइंड और इसे अच्छे से इसका पतला सा पेस्ट बनाऊँगी, मतलब ग्रेवी बनाऊंगी अब इसकी। तो ये देखिए इस तरह से पेस्ट बना लेना है। तो अब मैं चीज़ टमाटो बनाने से पहले क्या करूंगी, पनीर और टमाटो को थोड़ा सा बटाई करूंगी, गर्म होने देंगे थोड़ी देर के लिए मैं इसको। देन मैं अब ये जो इस तरह से बड़ी बड़ी स्लाइस काटनी है आपने टमाटो की चीज़ टमाटो बनाने के लिए, और ये है पनीर। तो अब इन दोनों को मैं करूँगी फ्राई इस तरह से। आज मैंने ट्राई किया इसको ट्राइंगल शेप में काटा। अब इस तरह से मैं ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ये हार्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा ना, इसको ज़्यादा नहीं करना है फ्राई। तो इसी तरह से इन टमाटरों को करेंगे। तो अब बनने जा रहा है चीज़ टमाटो। ऑलमोस्ट सभी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, हमारी ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है, टमाटो भी फ्राई हो चुके हैं और साथ में पनीर भी। तो अब हम इन सभी को करेंगे मिक्स। अब लगने जा रहा है तड़का। तो ये जो मैंने ग्रेवी बनाई हुई थी ना हमने, अब इसे मैं डालूंगी इसके बीच में। तो अब ये जो बचा हुआ है ना, इसमें थोड़ा सा मटेरियल, इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी। पानी डाल के इसे निकाल लेना है, वेस्ट नहीं करना है थोड़ा कोई भी मटेरियल हमें। ये देखिए इस तरह से ग्रेवी हमने इसके बीच में डाल दी। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे टमाटर। तो अब मैं डाल दूंगी इसमें पनीर भी साथ साथ में। तो अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूंगी, इसे इसके बीच में पकने दूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी एंड में कि ये डिश कैसी बनी है। अब मैं आपको बताऊंगी इसकी लुक एंड में, जब मैं इसे किसी बर्तन में ट्रांसफ़र करूंगी। तो तब तक लिए वेट करें। मैं इसे अच्छे से पकने दूंगी, तब तक मैं इसे रख देती हूँ ढककर। हमारा चीज़ पोटैटो बन के हो चुका है रेडी, ये देखिए। तो अब मैं इसे करती हूँ ट्रांसफ़र। ये देखिए हमारा चीज़ टमाटो बनके हो चुका है रेडी। मैंने इसमें ग्रेवी इसलिए ज़्यादा रखी क्योंकि मैं इनको राइस के साथ खाऊंगी, और आप चाहो तो अगर आपको चपाती के साथ खाना है तो ग्रेवी कम रखिएगा। और साथ में मैं इसे कर देती थोड़ा गार्निश धनिया के साथ।
तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है वो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कर दें, ताकि आपको आगे जाके और मज़ेदार वीडियो देखने को मिलती रहें और आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे इस चैनल में। तो तब तक के लिए सभी को बाय बाय, और चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट भी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ।